विधानसभा चुनाव पर आधारित हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की सियासत में शय और मात का खेल चल रहा है। सर्द फिजाओं में गर्माहट पूरे तरीके से आ चुकी है। किस तरीके के समीकरण हैं, किस तरीके की हॉट सीट्स हैं और क्या कुछ समीकरण है हर जिले के, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे। हिमाचल की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार रिपीट कर पाई हो। क्या अब की बार जयराम सरकार रिपीट कर पाएगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि ये कारनामा शांता कुमार से लेकर वीरभद्र से लेकर धूमल तक नहीं कर पाए। क्या अब की बार जनता का मिजाज बदलने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे चुनाव प्रचार को तो आप देख ही रहे हैं। सूर्या समाचार आपको बताएगा कि हिमाचल का विधानसभा चुनाव इस बार क्यों खास है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां जनता के सामने वोट मांगने जा रही हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवार 412 मैदान में हैं। इस बार महिला उम्मीदवार 24 और पुरुष उम्मीदवार 388 अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखा जा रहा है, लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों के अलावा भी हिमाचल के रण में कई पार्टियां शामिल हैं। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 68 हैं। कांग्रेस ने भी 68 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी 67 लोगों को चुनाव लड़ा रही है। बीएसपी भी हिमाचल के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। बीएसपी ने 53 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं सीपीआईएम 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में 99 निर्दलीय प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। जोगिंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चंबा जिले की चुरा, लाहौल स्पीति और मंडी जिले की द्रंग सीट पर सबसे कम 3-3 उम्मीदवार मैदान में। ये तो थी हिमाचल में विधानसभा चुनाव लड़ रही राजनीतिक दलों की जानकारी। अब हम आपको हिमाचल में मतदान और मतदान केंद्र की सटीक जानकारी देते हैं। हिमाचल में 14 विधानसभा के लिए 55,92,828 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 55 लाख मतदाता में पुरुष मतदाता 28,54,945 है, जबकि 27,37,845 महिला मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश में 38 थर्ड जेंडर मतदाता भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1,93,106 नए मतदाता शामिल हुए हैं। हिमाचल में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव नजदीक है। आखिरकार हिमाचल की जनता किसके सर पर ताश जाती है, ये 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा। बीजेपी के दावे सही होंगे या फिर कांग्रेस के वादों पर जनता वोट करेगी। अरुण उनियाल, ब्यूरो चीफ, हिमाचल। इस विस्तृत समीकरण के बाद चलिए बात करते हैं हॉट सीट की। कांगड़ा विधानसभा हॉट सीट्स में से एक, जिस सीट पर पिछली मर्तबा कांग्रेस विधायक ने जीत दर्ज की थी। अब की बार नतीजे क्या आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस सीट पर क्या है सियासी और राजनीतिक समीकरण, जरा इस रिपोर्ट में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत में कांगड़ा जिला बहुत महत्वपूर्ण है। इस जिला में जिस भी दल ने बढ़त बढ़ाई है, सत्ता की चाबी उसी के हाथ लगी है। 15 विधानसभा क्षेत्रों वाला ये जिला आबादी के हिसाब से प्रदेश में सबसे बड़ा है। यहीं से सत्ता पर काबिज होने का रास्ता बनता है और यही वजह है कि इस जिले से मंत्रिमंडल में सबसे अधिक सदस्य होते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पवन कुमार काजल ने बीजेपी के संजय चौधरी को 6,208 वोटों के मार्जिन से हराया था। कांगड़ा की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही यहाँ 4-4 बार जीत नसीब हुई है।
कांगड़ा क्षेत्र ओबीसी बहुल होने के कारण हर चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यहाँ गिरथ जाति का खासा प्रभाव रहा है। यहाँ पर 34% राजपूत मतदाता, 32% ओबीसी मतदाता, 18% ब्राह्मण मतदाता, SC ST मतदाता 20% शामिल हैं। कांगड़ा सीट पर मुकाबला इस बार इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार कांग्रेस के सामने कांग्रेस के सीटिंग विधायक पवन काजल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र सिंह काकू चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से राजकुमार जायसवाल किस्मत आजमा रही हैं। यानी कि कांगड़ा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। सूर्या समाचार के लिए हिमाचल से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। ये तो बात हुई कांगड़ा विधानसभा सीट की, जो हॉट सीट्स में से एक कही जा रही है। अब बात करते हैं शिमला विधानसभा सीट की, जिसे बेहद महत्वपूर्ण और हॉट सीट माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार चाय बेचने वाले संजय सूद को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हरीश जनार्था को टिकट दिया है। मुकाबला बेहद कड़ा कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की शिमला विधानसभा सीट बेहद ही खास और अहम मानी जाती है। शिमला संसदीय सीट भले ही कांग्रेस के दबदबे वाला हलका मानी जाती है, बावजूद इसके राजधानी शिमला इसका अपवाद रही है। कांग्रेस के लिए राजधानी शिमला को जीतना हमेशा ही टेढ़ी खीर साबित हुआ है। इसकी वजह दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है, जिसके चलते यहां बीजेपी कांग्रेस को चुनाव नहीं बल्कि कांग्रेस ही कांग्रेस को चुनाव हराते आए हैं। राजधानी शिमला को राज्य भर से कर्मचारी अपना बसेरा बनाए हुए हैं, इसलिए राजधानी के नतीजों को राज्य भर के लोगों के रुझान से जोड़ने की बात कई विश्लेषक करते रहे हैं। राजधानी शिमला में सूद परिवारों का व्यापार में बड़ा दबदबा रहा है, साथ ही पहाड़ के अधिकांश कर्मचारी शहर में नौकरी या बच्चों की शिक्षा और परवरिश के लिए अपना बसेरा बनाए हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने यहां से पहाड़ के चेहरे और वीरभद्र के समर्थक रहे हरीश जनार्था को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने सूद बिरादरी के दबदबे वाली सीट पर संजय सूद को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के प्रत्याशी जनार्था को वीरभद्र लेगेसी का फायदा तो है, मगर सूद बिरादरी के टिकट की चाहत रखने वाले तमाम नेता उनका कितना साथ देंगे और इस बार वीरभद्र परिवार के दूसरे करीबी यशवंत छाजटा का रुख क्या रहेगा, उस पर कांग्रेस की जीत या हार टिकी हुई नजर आ रही है। वहीं CPIM ने अपने सबसे दमदार और लोकप्रिय चेहरे टिकेंद्र पंवार को चुनाव में उतारा है। टिकेंद्र शिमला नगर निगम के उप महापौर रह चुके हैं। राजधानी के स्मार्ट सिटी प्लान हो या फिर इसके चेहरे की सूरत को बदलने के लिए DPR बनाने के जटिल काम, टिकेंद्र अपनी विलक्षण छवि के साथ इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। संजय सूद बीजेपी की आम आदमी को ताकत देने की रणनीति से जुड़ा चेहरा है। उनकी जीत और हार बीजेपी के संगठन की ताकत को भी तोलती नजर आएगी। इसके अलावा हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चमन राकेश आजटा के साथ अन्य प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि राजधानी शिमला में कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने की रीत इस बार भी जारी रहती है, या जनार्था से ये मिथ तोड़ने में कामयाब रहते हैं, या फिर बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर पूरे राज्य का असर दिखाने वाली राजधानी का वोटर अपना कोई नया निर्णय देता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर जिले से ही आते हैं और अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी हमीरपुर जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में हमीरपुर विधानसभा सीट बेहद अहम है, जहां पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है और पिछली 3 बार से बीजेपी का उम्मीदवार ही यहां से जीत दर्ज करता रहा है, लेकिन अब की बार यहां का समीकरण बदला हुआ नजर आता है। सियासी और राजनीतिक समीकरण क्या, जरा इस रिपोर्ट में देखें।
की जाए तो हमीरपुर सीट का जातीय समीकरण 37% राजपूत, 31% ब्राह्मण, 25% अनुसूचित जाति, 7% ओबीसी वर्ग से मतदाता। हिमाचल के इन चुनावों में हमीरपुर संसदीय सीट बड़े चेहरों की लड़ाई और प्रतिष्ठा का दिलचस्प चुनाव बना हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की भविष्य की राजनीति भी इस संसदीय सीट के चुनावी नतीजों से प्रभावित होती नजर आएगी। इसीलिए हमीरपुर संसदीय सीट का रुख इस बार क्या रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सूर्या समाचार के लिए हिमाचल से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। मंडी सदर सीट भी हॉट सीट्स में से एक है। यहां मुकाबला रोचक होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ साथ निर्दलीय यहां से समस्याएं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी सीट की अगर बात करेंगे तो मंडी सीट पर सुखराम के देहांत के बाद सुखराम के बेटे अनिल शर्मा और उनके बेटे आश्रय शर्मा बीजेपी में अपना सुनहरा भविष्य तलाश रहे हैं। इस सीट पर क्या कुछ रहने वाला है उस पर भी नजर। इसके सियासी समीकरण जरा समझिए। कांग्रेस नेता स्वर्गीय पंडित सुखराम के विधानसभा क्षेत्र मंडी सदर की सीट हिमाचल विधानसभा की हॉट सीटों में से एक है। यहां बीजेपी का बागी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे रहा है। बीजेपी ने यहां अनिल शर्मा और कांग्रेस ने चंपा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज प्रवीण शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अनिल शर्मा, कांग्रेस चंपा ठाकुर, निर्दलीय प्रवीण शर्मा। अनिल शर्मा पंडित सुखराम के ही बेटे हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। मंडी विधानसभा सीट पर 2017 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर अनिल शर्मा ने ही जीता था। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर के बीच निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी जंग को दिलचस्प बना रहे हैं। पंडित सुखराम के देहांत के बाद अनिल शर्मा बीजेपी में खुद का और अपने बेटे आश्रय के लिए सुनहरे सियासी भविष्य को तलाश रहे हैं। आश्रय भी कांग्रेस के सभी पदों से मुक्त होकर पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंडी सदर पर चढ़ाई करने निकले हैं, लेकिन पार्टी के भीतर ही उन्हें चुनौती मिल रही है। बागी प्रवीण शर्मा बतौर आजाद उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने की जुगत में है। ये चुनाव पंडित सुखराम परिवार का सियासी भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में अनिल शर्मा के सामने चंपा ठाकुर हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह की बेटी हैं और कड़ी टक्कर दे रही हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के श्यामलाल जो कि कहनवाल से हैं, वे पहले बीजेपी में ही रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो भी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को ही नुकसान करेंगे। कुल मिलाकर मंडी सीट पर मुकाबला रोचक रहने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूर्य समाचार के लिए हिमाचल के मंडी से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे इस मरतबा सुर्खियों में रहे, लेकिन एक मुद्दा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो रहा ओपीएस का मुद्दा। इसके साथ साथ बेरोजगारी से लेकर बागवानी, सड़क से लेकर महंगाई, ये तमाम मुद्दे जनता के बीच में जाकर उम्मीदवारों ने इन्हें उठाने की कोशिश की। जनता ने भी बराबर उम्मीदवारों से सवाल किए। जरा इस रिपोर्ट में देखिए, विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता उम्मीदवारों से सवाल जवाब करती नजर आई। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं। हर चुनाव में रहने वाले महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात छोड़ दें तो हिमाचल के चुनाव में कर्मचारी और खास तौर पर ओल्ड पेंशन बहाली एक बड़ा फैक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल को कर्मचारी राज्य कहा जाता है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस पर्वतीय राज्य के बढ़ते 70,000 करोड़ रुपए के अर्थतंत्र को कौन सा राजनीतिक दल संभाल पाएगा? हिमाचल की जनता इन सभी सवालों को तोलकर सरकार बदलने या सरकार का रिवाज बदलने की कवायद में 12 तारीख को मतदान कर अपना फैसला देती जरूर दिखाई देगी। प्रदेश में हर बार कर्मचारी ही सरकार बनाते और बदलते हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 2.25 लाख सरकारी कर्मचारी और 1,95,000 पेंशनर हैं। इन 4 लाख कर्मचारियों में से 1,15,000 कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भी एक बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ नीति आयोग का डंडा है, जो राज्य के करीब 71 लाख आबादी में कर्मचारियों की भारी तादाद में कटौती का अल्टीमेटम लगातार देता आया है।
हिमाचल में जयराम सरकार हो या फिर कोई भी सरकार, राज्य के बजट का लगभग 70-80% पैसा वेतन, पेंशन, ऋण अदायगी और कर्ज की वापसी में चला जाता है। दूसरी ओर अपनी वेतन विसंगतियों और महंगाई में डीए की पूरी किश्त का इंतजार राज्य के करीब 2.25 लाख कर्मचारियों को रहा है। चुनाव में ये आंकड़ा सत्तासीन सरकार से कर्मचारियों की बेरुखी की सबसे बड़ी वजह बनता है। जो कांग्रेस ने वादा किया है, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा है कि गारंटी देकर के बात कही है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सरकारी आंकड़े ये हैं कि सरकारी विभागों में 63,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बात समझने वाली है कि जब 63,000 पद खाली हैं, ऐसे में हर साल 1 लाख पद कैसे भरे जाएंगे। तो ये केवल चुनावी मुद्दा ज़्यादा नज़र आ रहा है और धरातल पर उतरता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा। वहीं मौजूदा जयराम सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ओल्ड पेंशन बहाली का मुद्दा बना हुआ है। और मौजूदा सरकार जयराम की भी एक बड़ी कोशिश कर्मचारियों को मनाने की जरूर करती आई है, लेकिन ओल्ड पेंशन बहाली जयराम सरकार के गले की वो फांस बन चुकी है जो इस चुनाव में जयराम सरकार और भाजपा दोनों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। ओपीएस के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बन रहा है। प्रदेश के रोजगार कार्यालय में तकरीबन 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। गैर पंजीकृत बेरोजगारों को मिलाकर छोटे से राज्य हिमाचल में इनकी संख्या 12 लाख के पार हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा है, हमारे युवा भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। उसको भारत सरकार ने अग्निवीर योजना निकाल के एक हमारे युवाओं की अग्निकुंड में आहुति दे दी है। हिमाचल चुनाव में महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 1130 रुपये आज सिलेंडर है। जो कर्मचारी हम रिटायर्ड पेंशनर हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। जो एक डेली बेसिस काम करने वाला 400 रुपये जो मजदूरी रहता है दिन का, पूरा सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता है या पत्थर उठाता है, उसका क्या बचता है जो 3 परिवार पालने के। हिमाचल के कई क्षेत्रों में सड़कों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। खासकर अपर शिमला में नेशनल हाईवे भी गड्ढों में तब्दील हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्ग तो और भी दयनीय स्थिति में है। इससे सेब बागवानों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। कई सड़कें तो गांव की पगडंडियों से भी बदतर हो गई हैं। जो है सड़क का एक मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो है कहते हैं कि सड़कें भाग्य रेखाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र की। तो जो अभी NH बन रहे हैं और जो उनके साथ की लिंक रोड है, NH तो वैसे भी काम बहुत धीमी गति से चला हुआ, बहुत खराब हालत में NH जो है अभी हमारे यहाँ के हैं। लेकिन जो दूसरे लिंक रोड हैं उसमें एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है और दयनीय हालत में जो है मतलब सड़कें पहुंच चुकी हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव है तो मुद्दों की बहार भी है। हिमाचल में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी कांग्रेस भी इन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं BJP विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरी है। हिमाचल के इन चुनावों को भाजपा ने भरोसे का चुनाव ज्यादा बनाने की कोशिश की है और उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भाजपा को लगता है केंद्र में नरेंद्र मोदी के चेहरे और जयराम सरकार के चेहरे के साथ वो भरोसा जनता का जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का भी पलटवार में जवाब है। वो कहते हैं पहले के किए गए वायदे तो भाजपा के पूरे नहीं हुए, फिर क्यों भाजपा पर विश्वास न कर कांग्रेस पर हिमाचल की जनता विश्वास करे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस मर्तबा कई नेताओं की जीत और हार उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन नेताओं की टेंशन डबल हो चुकी है। अब इस डबल होती हुई टेंशन के बीच में ये नेता कैसा परफॉर्म करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में जरा देखिए किन नेताओं की टेंशन इस बार हो चुकी है डबल। दूसरी तरफ इस बार जैसे तैसे टिकट के हकदार बने कई ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए जीत और हार उनके सियासी भविष्य का फैसला कर देंगे। इसलिए चुनावी समर में ऐसे नेताओं की नींद वोट पड़ने से पहले भी उड़ी उड़ी नजर आ रही है। हिमाचल के इन चुनावों में कांग्रेस और BJP के कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जो अगर चुनाव हारे तो उनकी सियासी पारी का भी अंत साथ में होता दिखाई देगा। कांग्रेस में उम्र दराज नेता धनीराम शांडिल, कौल सिंह ठाकुर, चंद्र कुमार, ठाकुर सिंह भरमोरी,
खीमी राम जैसे नेताओं के लिए ये उम्र के लिहाज से अंतिम चुनाव माना जा रहा है। वहीं बीजेपी में सुरेश भारद्वाज इसी कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने अंतिम समय में उनका चुनाव क्षेत्र शिमला से बदलकर कुसुमटी कर दिया है, फिर भी वो जीत के लिए मशक्कत कर रहे हैं। महेश्वर सिंह को टिकट भी नहीं मिला और उन्हें मनाकर बैठा भी दिया गया। ऐसे में उनके लिए भी अब चुनाव से ज्यादा राज्यसभा जाना या लोकसभा का चुनाव लड़ने का ही विकल्प बचा है, वो भी तब अगर बीजेपी ऐसा चाहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो पहले भी चुनाव हार चुके हैं और अब हारे तो टिकट मिलना दूर, राजनीति की विरासत को बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी में ऐसे ही दिग्गज चेहरे पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का है। सतपाल सत्ती ऐसे समय में अपना चुनाव हारे जब लहर बीजेपी और मोदी की थी। माना ये जाता है कि अगर सतपाल सत्ती पिछला चुनाव जीत जाते तो जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनने की उनसे कड़ी चुनौती मिलती। उधर धूमल कैंप के करीब नैना देवी से पूर्व विधायक रणधीर शर्मा भी कांग्रेस के रामलाल ठाकुर से चुनाव हार बैठे। इस दफा चुनाव हारे तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ती दिखाई दी। वहीं मौजूदा चुनाव में हार से ज्यादा संकट भविष्य को बचाने के लिए जयराम सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर बना हुआ है। इनमें विक्रम सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर, रामलाल मारकंडे, राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी, सरवीण चौधरी जैसे चेहरे शामिल हैं। उधर कांग्रेस में सबसे बड़ा हार का डर रामलाल ठाकुर को है। वो खुद कहते हैं लोकसभा चुनाव में उन्हें बलि का बकरा बनाकर पार्टी आलाकमान ने चुनाव लड़ा। आलाकमान का आदेश मानने के बावजूद हार जो उनके खाते में आई उसे विधानसभा में भी विरोधी भुनाते आए हैं। हिमाचल के चुनावों में एक और दिलचस्प इतिहास रहा है। यहाँ पर सत्तासीन सरकार के कैबिनेट के मंत्री तक हारे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, चाहे वीरभद्र सिंह रहे हों, सुखराम रहे हों, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये तमाम वो बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने अपना चुनाव कभी ना कभी हारा है। लेकिन भाजपा के भीतर भी ऐसे ही कैबिनेट और यहां तक मुख्यमंत्री का सीट हार जाने वाले प्रेम कुमार धूमल भी रहे हैं। यानी मौजूदा चुनावों के अंदर जयराम सरकार की कैबिनेट में हार और जीत की तरफ कौन बढ़ता है, ये भी कसौटी के ऊपर तोलते हुए इन चुनावों में देखा जाएगा। हिमाचल के ये चुनाव बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़े ही नहीं हैं। इन चुनावों में कई नेताओं का सियासी सफर भी दांव पर लगा है। देखना होगा किसकी लॉटरी जीत के साथ बरकरार रहती है और कौन अपनी हार के साथ किसी दूसरे नए चेहरे की लॉटरी बनकर सामने आते हैं। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। सीट दर सीट हमने आपको समझाने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का क्या है समीकरण। हमने कोशिश की उन मुद्दों तक पहुंचने की जो मुद्दे सीधा जनता से जुड़े हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।